कासगंज जिले के एक दिनदहाड़े डाकघर में लूट का मामला सामने आया है। चार नकाबपोश लुटेरे तमंचों की नोक पर हजारों रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी हुई है। पूरा मामला पटियाली थाना कस्बे के उप डाकघर का है। डाक बाबू रमेश की माने तो दिन के 4 बजे के तकरीबन नकाबपोश चार युवक अंदर घुसे और उन्होंने तमंचे के बल पर पूरे स्टाफ को बंधक बना लिया और 83,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। हैरत की बात तो यह है कि उप डाकघर में सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे जिससे वारदात का आसानी से पता लगाया जा सके। हालांकि दिन दिहाड़े हुए वारदात की सूचना पर पटियाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और लुटेरों की तलाश में जुटी हुई है। सर, क्या 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 है पूरा मामला? सर, जिन पर सबसे तमंचे थी और तमंचे की वजह हम लोग कवर करके कैश ले रहे हैं। कितना कैश था सर? 84,000 रुपये था। क्या बजे घटना है सर? 2:15 बजे के लिए का मामला सामने आया है। क्या मामला है सर? नहीं, लूट तो वही परिभाषित तरीके से तो लूट ही कही जाएगी। आप खुद देख रहे हैं, ये गली कूचे में बिल्कुल आ करके गाड़ी भी नहीं आती है, मोटरसाइकिल आने तक का रास्ता है। अरे, पैदल चल के हम लोग आए हैं। ये पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग है, किराए पर चल रही है। 5 कर्मचारी हैं यहाँ पे, वो लोग आए और 2 मोटरसाइकिल में बता रहे कि आए थे। इनका 83,000 रुपये कैश था यहाँ रखा हुआ काउंटर पे, इनके उसे छीन ले गए। ठीक है, इनका कहना है कि वो लोग तमंचे लिए थे तो चले गए। हमने कहा भाई तुमने फ़ोन किया? बोले 100 नंबर लगाया। नहीं लगा, थाने का नंबर है नहीं इनके पास कि हम उनको फ़ोन कर पाते। फिर बाहर निकल के शोर मचाते, शोर भी नहीं मचाते। ये बाहर निकलते हैं, पैदल पैदल थाने जाते हैं, उनको लग जाते हैं 25 मिनट पहुँचने में, तब जाके बताते हैं। तो फिर पुलिस सक्रिय होती है। हम इसको खोलेंगे, बहुत जल्दी खोलेंगे, पूरा तरीका अपना अपनाएंगे। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि जब वो घर से बाहर निकले तो तुमको शोर तो मचाना चाहिए। 5 आदमी थे, पूरा मोहल्ला मार्केट है, कोई ना कोई पीछे लग जाता, कोई आगे फ़ोन करता, कुछ नहीं, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। सर, इनके भी 5 रुपये अगर ले गए होते ना तो पूरी दुनिया में हल्ला मचाती थी। सरकारी पैसा है, लावारिस टाइप। मेरी ये शिकायत है, मुझे इस बात का इरिटेशन है कि आप ठीक है उस समय नहीं बोले, अच्छी बात थी। जैसे मोटरसाइकिल पर बैठ गए आप शोर मचाना शुरू करते। आपके मुंह से एक आवाज़ निकलती है, हज़ारों आवाज़ निकलने लगती। वो उन्होंने मौका चूक गए। सर, ना तो इसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, ना कोई गार्ड है, तो कुछ लापरवाही इसमें बैंक की भी नजर आ रही है। देखो, इनके SP भी आए हुए हैं। मैंने उनसे कहा भाई आपने कब लिखा इंस्पेक्शन में कि आप 15,000 के कैमरे मिल रहे हैं, पान की दुकानों में कैमरे लगे हुए हैं। अगर आप अपने माल की हिफाजत नहीं करोगे, जिम्मेदारी भले मेरी है लेकिन व्यवहारिक तौर पर आपकी भी तो कुछ दायित्व बनता है। CCTV लगाते आप, जो है कोई गार्ड लगाते, कुछ करते नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने छोड़ रखा है पुलिस के भरोसे। बहरहाल मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ, इसको वर्कआउट करूँ।